नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं राज शुक्ला इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं अगस्त 2022 के सुपर 100 करंट अफेयर्स। इसमें अगस्त महीने के सभी करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। अपने अमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। हाल ही में देश के नए CJI बनाए गए हैं, कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्टिस उदय उमेश ललित। इन्होंने स्थान ले लिया है जस्टिस NV रमन्ना का। जस्टिस NV रमन्ना की जगह जस्टिस UU ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और इन्हें भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। दोस्तों, वर्ष 2014 से ये सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लॉयर के रूप में की थी, एडवोकेट के रूप में की थी और 2014 में इन्हें जज के रूप में प्रमोट कर दिया गया था। और दूसरे ऐसे जज होंगे जस्टिस उदय उमेश ललित जो अपना करियर लॉयर से स्टार्ट किए, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। पहले ऐसे जस्टिस थे SM सीकरी और दूसरे जस्टिस हैं जस्टिस UU ललित। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में कुल जजेस की जो संख्या है वो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, मिला के टोटल है 34। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड के ही निवासी हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो राजधानी है देहरादून, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के CM हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के राज्य मुख्यमंत्री हैं श्री गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, 79th, 18th, 81st, 82। तो दोस्तों, वर्ष 2022 में 2020 में भारत छोड़ो मूवमेंट की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो का नारा जो दिया था दोस्तों, यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। मुंबई अधिवेशन में इस आंदोलन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। और वर्ष 2022 में 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन भारत के किस शहर में होना है? ऑप्शन है, बेंगलोर, लखनऊ, गांधीनगर और भोपाल। दोस्तों, 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो का वो आयोजित होना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। इसके पहले हुआ था जो 2020 में 11वां संस्करण, उसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। 2022 के लिए जो डिफेंस एक्सपो है उसके लिए थीम रखी गई विषय वस्तु पाथ टू प्राइड। गुजरात की बात कर लेते हैं, गांधीनगर की गुजरात की कैपिटल है। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, गुजरात के CM हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में चांपानेर, पावागढ़, रानी की बाव, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, हाल ही में हड़प्पन नगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुजरात में गिर, रन ऑफ कच्छ, वंशदा,
ब्लैक बक जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं चिली, कोलंबिया, सूरीनेम, वेनेजुएला। गुस्तावो पेट्रो नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं कोलंबिया के। कोलंबिया की बात करते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। इसकी कैपिटल है बोगोटा, बोगोटा। अन्य ऑप्शंस पर डिस्कशन कर लें, चिली, सूरीनेम और वेनेजुएला, ये सभी साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट देश हैं। चिली की राजधानी की बात करें तो सांटियागो यहाँ की कैपिटल है। सूरीनेम की कैपिटल है पैरामरीबो। वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं शेखर मांडे, एन कलाईसेल्वी, SS भटनागर, S सोमनाथ। दोस्तों इतिहास में पहली बार CSIR की पहली महिला निदेशक महानिदेशक नियुक्त की गई हैं और वो हैं डॉक्टर एन कलाईसेल्वी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, फर्स्ट वुमेन टू लीड CSIR। इन्होंने स्थान लिया है शेखर मांडे जी का। दोस्तों आपको बता दें CSIR वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। यह लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करती है। इसके पदेन अध्यक्ष, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डॉक्टर एन कलाईसेल्वी फर्स्ट वूमेन बन गई हैं CSIR की महानिदेशक बनने वाली। ऑप्शंस में चर्चा करते हैं, SS भटनागर पहले DG थे, डायरेक्टर जनरल थे CSIR के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह कार्य करती है। S सोमनाथन की बात करते हैं दोस्तों, यह वर्तमान में इसरो के चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था इसरो, स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं सचिन तेंदुलकर, कोनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन सर्वोच्च नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस खेलों की, इसे फिडे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और फिडे के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हाल ही में विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, जाने माने चेस प्लेयर, कई बार के, चार बार के प्रख्यात शतरंज खिलाड़ी, पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं विश्वनाथन आनंद, इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों एक मैथ फैक्ट आपको और बता देता हूँ, भारत में दिया जाता था पहले राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, 1991 से प्रदान किया जा रहा है और पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर दिया गया है और नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और पहले राशि जो दी जाती थी 7.5 लाख की राशि दी जाती थी, अब इस राशि को बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा, एम वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देश के 14वें, इस साल वर्ष 2022 में भारत में प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट बनी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति बने हैं श्री जगदीप धनखड़। देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। इन्होंने स्थान ले लिया है एम वेंकैया नायडू का। एम वेंकैया नायडू इस पद पर बने हुए थे और 13वें उपराष्ट्रपति थे और अब जगदीप धनखड़ बन गए। जगदीप धनखड़ जी की बात में बात करें तो इसके पूर्व वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे। उपराष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत का संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। निर्वाचन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है।
5 वर्ष का कार्यकाल होता है। शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। इन्होंने, जगदीप धनखड़ जी ने, अपने प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा को इस चुनाव में हराया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा, साहित्य, नृत्य, पत्रकारिता। गरिमा हजारिका, ये हैं असम राज्य से संबंधित। दोस्तों, असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया। एक डांस होता है सत्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, सत्रिया डांस कहाँ का है? तो ये है असम का। सत्रिया डांस से रिलेटेड थी गरिमा हजारिका, यानी इनका संबंध हुआ नृत्य से। इसके साथ ये उड़ीसी और कथक में भी दक्ष थी। इन्हें वर्ष 2006 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 83 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, गरिमा हजारिका का संबंध है नृत्य से, डांस से। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रामसर क्या होते हैं। रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में, जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमियाँ हैं, उनके संरक्षण से संबंधित समझौता है। और इस वर्ष पहले भारत में कुल 47 रामसर साइट्स थीं, अभी बढ़ा के टोटल हो गई हैं 75 रामसर साइट्स। भारत में 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। 2 फरवरी 1971 को यह समझौता अस्तित्व में आया था और 2 फरवरी को ही इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। सर्वाधिक जो वेटलैंड्स हैं दोस्तों, वो हैं तमिलनाडु में, भारत में। उसके बाद 14 तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड्स हैं, मध्य प्रदेश में अब वर्तमान में 4 वेटलैंड्स हो गए हैं। 4, पहले भोजताल हुआ करती थी, उसके बाद सांख सागर, यशवंत सागर और सिरपुर, इन 4 साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, संजय कोठारी, सुरेश एन पटेल, वाई के सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। CVC नियुक्त किए गए हैं भारत के नए, बन गए हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी जी का स्थान ले लिया है। वाई के सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं वाई के सिन्हा। CVC की बात करते हैं दोस्तों, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है CVC। के संथानम आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1964 में CVC का गठन किया गया था। राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति की जाती है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं CVC की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली और हैदराबाद। दोस्तों, 44th चेस ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 28 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक यह आयोजन किया गया तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। आगे बढ़ते, और अगला जो होगा वर्ष 2024 में 45वां सेशन, उसको होना है हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में अगला आयोजन होना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रणय वर्मा किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश और वियतनाम। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? WWW डे ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शन दिए गए हैं, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम वर्नर्स ली ने WWW की शुरुआत की थी वर्ष 1989 में। WWW के इतिहास तथा महत्व को बताने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
भारत ने किस देश के साथ अलनागा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, ओमान, मंगोलिया और फ्रांस। अलनागा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत करता है ओमान्स के साथ, ओमान के साथ अलनागा करता है, और राजस्थान में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, चौथा संस्करण था अलनागा का। आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और आंध्र प्रदेश। दोस्तों सेमीकंडक्टर पॉलिसी अर्धचालक नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई गई है, डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 बनाई गई है गुजरात राज्य के द्वारा, और यह गौरव प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सेबेस्टियन बैटल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं शतरंज, बास्केटबॉल, फुटबॉल, फॉर्मूला वन रेसिंग। चार बार के विश्व विजेता फॉर्मूला वन रेसिंग के ड्राइवर हैं सेबेस्टियन बैटल, और उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध हुआ ऑप्शन डी फॉर्मूला वन रेसिंग। जर्मन मूल के हैं सेबेस्टियन बैटल और चार बार विश्व विजेता रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वो हैं अमेरिका की। चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है सेरेना विलियम्स के, इनके एक सिस्टर हैं वीनस विलियम, उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया है, और चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र महिला हैं सेरेना विलियम्स, और वो हैं अमेरिका की। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ग्रैंड स्लैम भारत में, दुनिया में वर्ष भर में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, और सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत हुई वर्ष 1877 में विंबलडन की, उसके बाद 1881 में 1881 में यूएस ओपन की, देन 1891 में फ्रेंच ओपन की, और 1905 में शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन की। जबकि सबसे पहले जो वर्ष में खेला जाता है वो खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले ग्राउंड पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन ग्रास लैंड पर खेला जाता है। दोस्तों ये सभी ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं ITF के द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है, वर्ष 1913 में फाउंड हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता के लिए यह दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था वर्ष 2000 में। 2000 से प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस वर्ष इसके लिए थीम रखी गई है इंटर जेनरेशनल सॉलिडरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, इस वर्ष के लिए विषय वस्तु रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्ष 2021-22 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण, ऑप्शन ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पुरुष वर्ग का AIFF का वर्ष 2021-22 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है सुनील छेत्री को, जबकि महिला वर्ग में फुटबॉलर मनीषा कल्याण को फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। सुनील छेत्री की बात करें दोस्तों, 7वीं बार उन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, जबकि पहली बार मनीषा कल्याण चुनी गई। दोस्तों सुनील छेत्री को वर्ष 2021 में भारत में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में होती है,
अभी वर्तमान में राशि 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। AIFF की बात कर लेते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, स्थापना हुई थी 1937 में, इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? ऑप्शंस दिए गए हैं, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार और नौवीं बार। दोस्तों बिहार, हाल ही में बिहार राज्य में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। पहले भी सीएम थे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने अलायंस चेंज कर लिया। पहले वह एनडीए के साथ थे, एनडीए के गठबंधन में थे, और अब उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई है। और आठवीं बार, भारत में सर्वाधिक बार सिख मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का गौरव प्राप्त हो गया है नीतीश कुमार जी को। डेप्टी सीएम बनाए गए हैं श्री तेजस्वी यादव। एनडीए के साथ अलायंस को तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और आठवीं बार इन्होंने शपथ ली तथा लगातार सातवीं बार इन्होंने सीएम की शपथ ली है। बिहार की बात करते हैं दोस्तों, गवर्नर है यहाँ पे श्री फागू चौहान, राजधानी है पटना। बिहार में नालंदा तथा बोधगया जैसे यूनेस्को प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं, वाल्मीकि जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारत वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1994 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिवस की शुरुआत आदिवासियों के बारे में जागरूकता तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 के जो थीम रखी गई है, द रोल ऑफ इंडिजीनियस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इस वर्ष के लिए विषय वस्तु रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 खेले गए यूके के बर्मिंगम में, बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया और भारत पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत की तरफ ने कुल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 61 मेडल के साथ भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में इंग्लैंड, तीसरे में कनाडा और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 में 22वां एडिशन था, 22वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसके पूर्व ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 में आयोजन हुआ था, और अगले जो आयोजन होना है वर्ष 2026 में, उनका आयोजन किया जाएगा विक्टोरिया में आयोजन होना है। पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान है। दोस्तों आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी और पहला आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। वर्ष 2022 के लिए जो मैस्कॉट रखा गया था, पैरी द बुल रखा गया था। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। वर्ष 2022 के लिए आदर्शवाक गेम्स फॉर एवरीवन रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ अफ्रीका, केन्या, कोलंबिया, इनमें से कोई नहीं। तो विलियम रूटो नए राष्ट्रपति बन गए हैं केन्या के। इसके पूर्व वह केन्या के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। हाल ही में
इन्होंने स्थान ले लिया है केन्या के तात्कालीन राष्ट्रपति उहुरू केन्याता का। केन्या की बात करें तो दोस्तों अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित देश है केन्या, राजधानी है नैरोबी। नैरोबी नैरोबी में दोस्तों यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। साउथ अफ्रीका की राजधानी है दोस्तों प्रिटोरिया। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, और हमने अभी पढ़ा कि कोलंबिया में गुस्तावो पेट्रो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, गुस्तावो पेट्रो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ONGC ने बहुराष्ट्रीय कंपनी एक्सान मोबिल के साथ समझौता किया है, यह किस देश की कंपनी है? दोस्तों एक्सान मोबिल के साथ समझौता किया है ONGC ने, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गहरे अन्वेषण कार्य हेतु एक्सान मोबिल के साथ समझौता किया गया है। यह एक अमेरिकी मल्टीनेशनल पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है और ONGC ने समझौता किया। ONGC की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। यह एक भारत की महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है अलका मित्तल, और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक्सान मोबिल के साथ समझौता किया गया है। अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, ONGC अमेरिका की कैपिटल है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं यहाँ पे, और भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। जापान की बात करते हैं, टोक्यो राजधानी है, फ्यूमियो किसिडो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में जापान में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, वो उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चीन की बात करते हैं, राजधानी है बीजिंग, सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। इटली की बात करें तो इटली की राजधानी है रोम, ज्यूसेप कॉन्टे इटली के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की नवी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, बैंकॉक, हैदराबाद, श्रीनगर। भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की नवी बैठक का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने किया है। दोनों देशों की 75वीं राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी इस वर्ष मनाई गई है और इस बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। थाईलैंड की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है थाईलैंड, राजधानी है बैंकॉक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश। कर्नाटक राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सभी राज्य सरकारी विभागों में राज्य के खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है बेंगलुरु, श्री बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, श्री वाजू भाई वाला राज्य के गवर्नर हैं। कर्नाटक में बांदीपुर, नागर होल, बानरहट्टा, अंसी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। हम्पी, पट्टाकल के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं कर्नाटक से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी भारत के बैडमिंटन स्टार हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, इन सभी को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC है, अमेरिकी MNC है और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है मास्टर कार्ड ने इन सभी चारों खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे बर्मिंगम में, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा इन खिलाड़ियों का, लक्ष्य सेन ने इनमें गोल्ड मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेक इंडिया नंबर वन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री अरविंद केजरीवाल, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मेक इंडिया नंबर वन मिशन की शुरुआत करी गई है। यह एजुकेशन,
हेल्थ, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कार्यक्रम होगा और शुरुआत की गई है दिल्ली के सीएम के द्वारा। दिल्ली में दोस्त के सीएम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री वी के सक्सेना। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। तो दोस्तों ये कोविड का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ब्रिटेन। 18 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों को इस्तेमाल करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन, यहाँ के पीएम हैं श्री बोरिस जॉनसन। रूस की बात करते हैं, राजधानी है मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। भारत की बात करें तो नई दिल्ली राजधानी है, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया? ऑप्शन हैं भारत, चीन, रूस और कनाडा। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है, 1904 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और फीफा ने भारत के फुटबॉल संघ AIFF को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। काफ़ी समय से प्रशासन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके कारण हाल ही में निलंबित किया गया है भारत के फुटबॉल संघ को, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। स्थापना हुई थी वर्ष 1937 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रश्न है, पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को सहनशाही कैलेंडर के अनुसार पारसी समुदाय के द्वारा नववर्ष है, जिसका नाम है नवरोज, मनाया जाता है 16 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का यह 13वां संस्करण था, और इसमें हिंदी फिल्म 83 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, और 83 फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया अभिनेता रणवीर सिंह को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस महान दार्शनिक भारतीय दार्शनिक की 150वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में श्री अरविंदो जी की 150वीं जयंती मनाई गई है। श्री अरविंदो एक महान राष्ट्रवादी दार्शनिक, कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, योग एवं आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था, और 2022 में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, द लाइफ डिवाइन इनकी बहुत फेमस रचना है, इसके अलावा सावित्री, सिंथेसिस ऑफ योग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी, अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी में अरविंदो आश्रम है। अन्य ऑप्शंस पे बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, तो दोस्तों वर्ष 2019 में इनकी 150वीं जयंती मनाई जा चुकी है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत की ओर से पहले नोबल पुरस्कार विजेता थे वर्ष 1913 में। इनकी साहित्य रचना लिटरेचर के लिए इन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत का नेशनल एंथम इन्हीं के द्वारा रचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। असम राज्य सरकार ने राज्य में 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है, तथा उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है अडॉप्ट अ आंगनबाड़ी। अडॉप्ट अ आंगनबाड़ी पोर्टल लॉन्च किया है, इससे लोग स्वेच्छा से डोनेट करेंगे तथा समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। असम की बात करते हैं, राजधानी है दिसपुर, सीएम है श्री हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है श्री जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा, मानस, ओरांग, पटकाई, डिब्रू सैखोवा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। गुजरात की बात करते हैं, राजधानी है गांधीनगर,
श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन कहाँ होना है? ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता। दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड 2023 का आयोजन होना है कोलकाता में। प्रत्येक दो वर्ष में यह शो आयोजित किया जाता है। इसके पूर्व चेन्नई में इस तरह का शो आयोजित किया गया है और क्या था, यह आयोजित किया जाता है MPEDA के द्वारा, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यह आयोजित किया जाना है। यह भारतीय निर्यातकों और देश के समुद्री उत्पादों में विदेशी आयातकों के बीच अंतःक्रिया करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। भारत के फिशरीज मिनिस्टर हैं, मत्स्य पालन मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला फिशरीज मिनिस्टर हैं भारत के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने स्पार्क नामक 3D वर्चुअल स्पेस पार्क लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं इसरो, बार्क, DRDO, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसरो के द्वारा हाल ही में स्पार्क नामक 3D वर्चुअल स्पेस पार्क लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसरो के प्रक्षेपण संबंधी, उपग्रहों और मिशनों संबंधी समस्त जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। इसरो क्या है दोस्तों? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है इसरो। इस स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एस सोमनाथन इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। DRDO की बात करते हैं दोस्तों, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समीर वी कामत वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापना हुई थी 1954 में। हेडक्वार्टर है बॉम्बे और AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती बार्क प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है भारत के सहकारिता और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी भारत के कृषि मंत्री हैं। श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? ऑप्शंस हैं मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को एक डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। डॉर्नियर निगरानी यह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है, शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग विमान है, मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है और श्रीलंका को सौंपा गया है। श्रीलंका के बारे में जानते हैं दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्री रानिल विक्रमसिंघे। हाल के समय में श्रीलंका में घटनाक्रम हुआ, वित्तीय आपातकाल लगाया गया श्रीलंका में, महंगाई को लेकर एक भीषण आंदोलन हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा था और अब वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री रानिल विक्रमसिंघे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं पर्यावरण, साहित्य, उद्योग और पत्रकारिता। भारत के मशहूर निवेशक और बिग बुल के नाम से प्रसिद्ध राकेश झुंझुनवाला का 63 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है, यानी इनका संबंध है उद्योग से, इंडस्ट्री, और ये इन्वेस्टर थे भारत के। हाल ही में इन्होंने अकासा एयरलाइंस की शुरुआत की थी श्री राकेश झुंझुनवाला ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल, शशि थरूर, ममता बनर्जी, प्रशांत किशोर। फ्रांस सरकार ने फ्रांस के अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से कांग्रेस के केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद श्री शशि थरूर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। श्री शशि थरूर को उनके लेखन और भाषणों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनमें से कुछ हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस,
द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं श्री शशि थरूर की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जबकि प्रशांत किशोर एक पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किस स्थान पर होना है? ऑप्शंस हैं इंदौर, वाराणसी, नई दिल्ली और बेंगलुरु। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 17वां संस्करण होगा और इसका आयोजन होना है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं दोस्तों, यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है दिन? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके इस दिवस को यादगार बनाने तथा भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2003 से इसकी शुरुआत हुई। पहला आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मनाया जाता है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर। दोस्तों, भारत में प्रवासी भारतीय केंद्र, प्रवासी भारतीय संस्थान है जिसका नाम में परिवर्तन कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ और शहडोल। मध्य प्रदेश का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मंडला को देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में जिला प्रशासन ने निरक्षरता से आज़ादी अभियान प्रारंभ किया था, जिसके तहत मंडला जिले को देश के पहले कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। कार्यात्मक रूप से साक्षर से तात्पर्य व्यक्ति जब पढ़ने लिखने और गिनने में सक्षम हो जाता है। मंडला स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी है भोपाल, सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है श्री मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में पन्ना, पेंच, कान्हा, माधव, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो तथा भीम बेटिका की प्रसिद्ध गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। मध्य प्रदेश को दोस्तों ट्राइबल स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जनजाति राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बैगा, सहारिया, भारिया जैसी प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनमें से कोई नहीं। विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की गई है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक ने कस्टमर्स को सुरक्षित बैंकिंग आदतों के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया है और इस अभियान के लिए अभिनेत्री अनुराधा मेनन को चेहरा बनाया गया है। HDFC बैंक भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में इसके CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ICICI बैंक की बात करें, संदीप बक्सी वर्तमान में ICICI बैंक के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सिक्किम, गोवा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, गोवा राज्य तथा दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य जल का पानी उपलब्ध कराना था नल के माध्यम से। और गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां नल कनेक्शन के माध्यम से हर घर तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। गोवा की बात करते हैं, राजधानी है पणजी, CM है श्री प्रमोद सावंत, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेंट कैथेड्रल चर्च है गोवा में, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने किस देश में अपना पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलने की घोषणा की है? सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हॉल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1940 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुर। आर माधवन इसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार की यह एरोस्पेस एवं डिफेंस कंपनी है जो फाइटर एयरक्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करती है, और इसने देश में पहला विदेशी बिक्री एवं विपणन कार्यालय खोलने की घोषणा की है मलेशिया के कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पहला कार्यालय खोला जाएगा हॉल के द्वारा। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। इस्माइल साबरी वर्तमान में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। भारत के सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा किया गया है, और यह कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नवेगांव, तड़ोवा, गुगामल, चंदौली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। महाराष्ट्र में एलोरा, अजंता, एलिफेंटा तथा छत्र शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सेवा प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दोस्तों ड्रोन आधारित मेडिकल सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रारंभ की गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और इसके लिए जो फंड प्रोवाइड करेगा USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। USAID की स्थापना हुई थी 1961 में वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर, और इसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से लॉन्च किया गया है। WEF की स्थापना हुई थी 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, और यह सेवा प्रारंभ की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों, राजधानी है ईटानगर, CM है श्री पेमा खांडू CM है, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग तथा नामदफा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की मुख्यमंत्री है श्री कॉनराड संगमा। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा श्री नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक्वा बाजार एप्स की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन किसानों और हितधारकों को उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने में मदद करेगा, और इसका निर्माण किया गया है, इसे विकसित किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के द्वारा, और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन सी पुरुषोत्तम रूपाला। मनसुख मंडाविया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार देख रही हैं। श्री गिरिराज सिंह पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। UEFA लीग में भाग लेने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मनीषा कल्याण, आदिति चौहान, डालिमा छिब्बर, रितु रानी। UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप लीग में भाग लेने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण। प्रत्येक 4 वर्ष में यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होती है। इसकी शुरुआत हुई थी UEFA लीग की 1982 में। यानी स्पष्ट का सही उत्तर ऑप्शन ए मनीषा कल्याण को वर्ष 2021-22 के लिए AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं।
विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शंस आर 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। मानवतावाद के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए उनकी श्रद्धांजलि के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसके लिए थीम रखी गई, विषय वस्तु इट टेक्स अ विलेज। दोस्तों वर्ष 2009 से यह दिवस मनाया जा रहा है। 2003 में यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि सर्जियो वियटा डी मेलो की बगदाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनकी यादगार बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है? ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। तो दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जन्माष्टमी के पर्व पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आधिकारिक खेल का दर्जा दे दिया गया है दही हांडी का। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है मुंबई, सीएम है श्री एकनाथ शिंदे, श्री भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में तड़ोबा, चंदौली, गुगामल, नवेगांव जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को की प्रसिद्ध विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर कैट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस डेवलपमेंट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती पर राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के जयपुर पे। आर कैट राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। यह तकनीकी स्नातकों को ट्रेनिंग तथा अधिक रोजगार परक बनाने में मदद करेगा। इसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स तथा अन्य उन्नत तथा उभरती तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है जयपुर, श्री अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में डेजर्ट, रणथंबोर, केवलादेव, मुकुंद्रा हिल्स जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। जैसलमेर, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़, रणथंबोर जैसे प्रसिद्ध किले यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे DRDO का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री जी सतीश रेड्डी, समीर वी कामत, एस सोमनाथ, अजीत कुमार मोहंती। तो दोस्तों DRDO के नए चेयरमैन बनाए गए हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत नए चेयरमैन बनाए गए हैं DRDO के और इन्होंने स्थान लिया है जी सतीश रेड्डी का। DRDO की बात करते हैं, स्थापित हुआ 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी का इन्होंने स्थान ले लिया है। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। इसरो क्या दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर है बेंगलोर। अजीत कुमार मोहंती ये हैं बार के चेयरमैन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दोस्तों अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया गया है। अब इसका संरक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ASI क्या दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्थापना हुई थी 1861 में, कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन यह कार्य करती है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमती वी विद्यावती। और अब अनंगताल झील का संरक्षण ASI के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 11वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल के द्वारा इस झील का निर्माण कार्य कराया गया था और यह स्थित है दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो CM है श्री अरविंद केजरीवाल, श्री VK सक्सेना यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता है?
ऑप्शंस हैं अर्जुन एरियसी, प्राग्नंदा बाबू, गुकेश डी, अर्जुन कल्याण। दोस्तों अर्जुन एरियसी ने हाल ही में संपन्न आबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उन्होंने स्पेन के खिलाड़ी डेविड गुइजारो को हराया है। वर्ष 2018 में ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन एरियसी, तेलंगाना स्टेट्स के रहने वाले हैं। ऑप्शन पर नजर डालें तो पी रमेश बाबू, इन्हें वर्ल्ड यूथ चैंपियन, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है। एमिनेंट चेस प्लेयर हैं प्राग्नंदा रमेश बाबू, जिन्होंने हाल ही में प्रख्यात चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया। गुकेश डी और अर्जुन कल्याण ये सभी भारत के ग्रैंड मास्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नौसेना में शामिल होने जा रहा विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन हैं गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों एक नेवी में शामिल होने जा रहा है INS विक्रांत, और बहुत भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो स्वयं अपने विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रूस और फ्रांस जैसे देशों की सूची में भारत शामिल हो जाएगा। 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत को नेवी में शामिल होना है। INS विक्रांत इंडिजीनियस स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाने वाला विमान वाहक पोत है। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। लगभग 20,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन ने, और कोचीन में ही इसे नेवी में शामिल किया जाएगा। नेवी के प्रमुख हैं दोस्तों वर्तमान में एडमिरल आर हरिकुमार वर्तमान में नेवी के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन कंपनीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये सारी कंपनी है सिर्फ भारत की शिप बिल्डर्स कंपनी है। ये है कोलकाता में स्थित है, स्थापित हुई थी वर्ष 1884 में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 1972 में कोचीन में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है, वर्ष 1957 में स्थापित हुई। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में स्थित है और 1934 में स्थापित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, विश्व जल सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मार्च, जून, जुलाई और अगस्त। वर्ल्ड वाटर वीक, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, और प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष मनाया गया है 23rd अगस्त से 1st सितंबर के बीच में यह दिवस मनाया गया, और यह मनाया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर ध्यान आकर्षण करना है। वर्ष 1991 से यह सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसके लिए थीम रखी गई है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने किसे देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? ऑप्शंस हैं हरिद्वार, इंदौर, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को। नीति आयोग की बात करते हैं दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसका गठन किया गया है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री सुमन कुमार बेरी। श्री परमेश्वर रन अय्यर वर्तमान में CEO के तौर पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य भारत के 112 कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से विकसित करना है, और इस वर्ष हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 3 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। हरिद्वार स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की बात करते हैं तो राजधानी है देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। श्री गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में किसे IDFC बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं दिनेश कुमार खारा, महेंद्र शाह, MR कुमार, गोविंद राजुलू चिंताला। IDFC के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं श्री महेंद्र शाह और इन्होंने स्थान ले लिया है श्री सुनील कक्कड़ का। IDFC बैंक की बात करते हैं दोस्तों, निजी क्षेत्र का बैंक है, 2015 में स्थापित हुआ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऑप्शंस की बात करते हैं, दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है SBI। MR कुमार LIC के चेयरमैन हैं। LIC क्या है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बीमा एवं भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेश कंपनी है LIC के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं MR कुमार। गोविंद राजुल चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाना है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन गलत है इसमें, कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला जाएगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस और इसका निर्माण LNT लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बन गई है? ऑप्शन दिए गए हैं सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी की जोड़ी, किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत या पी कश्यप, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में टोक्यो में किया गया, जिसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता वर्ष 1977 से आयोजित की जा रही है। दोस्तों भारत की ओर से एक फैक्ट है, भारत की ओर से सिंगल्स में पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं श्री प्रकाश पादुकोण। उन्होंने 1983 में कांस्य पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं सुरजीत भल्ला, रघुराम राजन, श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है और उन्होंने स्थान लिया है श्री सुरजीत भल्ला का स्थान ले लिया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2018 से 21 तक भारत सरकार वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर इन्होंने कार्य किया और अब इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं श्री वी अनंत नागेश्वरन। भारत की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। IMF की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है IMF। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। कुल मेंबर हैं IMF में 190 मेंबर हैं IMF में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? ऑप्शंस हैं शेख हसीना, एंजेला मर्कल, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है जर्मनी की पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को शरणार्थियों के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2013 में पद पर रहते हुए एंजेला मर्कल ने जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को शरण दी थी। दोस्तों यूनेस्को पीस प्राइज को फेलिक्स होफोर्ट बोइग्नी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1990 में इसकी शुरुआत हुई और पहले अवार्डी थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, यह भी यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी नवाजी जा चुके हैं। यूनेस्को की बात कर लेते हैं दोस्तों,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। टोटल मेंबर है 193। इसकी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही हैं आद्रे एजुले। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं असगर वजाहत, शरद पगारे, नसीरा शर्मा, लीलाधर जागुड़ी। दोस्तों 31वें व्यास सम्मान 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया हिंदी के प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत को। असगर वजाहत को वर्ष 2021 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके प्रसिद्ध नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों हिंदी में साहित्य रचना के लिए व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 से प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राशि है 4 लाख की। वर्ष 1991 में पहली बार राम विलास शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 में, नसीरा शर्मा को 2019 में, लीलाधर जागुड़ी को 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अ न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एम वेंकैया नायडू। अ न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-2019 यह पुस्तक भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के लेखों का संकलन है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है श्री एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी ड्रीम सेडगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन हैं ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली। ड्रीम सेडगो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। BCCI भारत में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया भारत में क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन हैं 15, 16, 17 और 18। वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन सोफिया बुल्गारिया में किया गया। भारत ने कुल 16 मेडल जीते जिसमें से 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 16 मेडल जीते और 16 मेडल के साथ भारत का स्थान भी 16वें पायदान पर रहा। दोस्तों इस चैंपियनशिप में भारत की 17 वर्षीय महिला खिलाड़ी अंतिम पंघाल ने इतिहास रच दिया और पहली महिला बन गई जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा दोस्तों अंतिम पंघाल। क्वेश्चन पूछ सकता अंतिम पंघाल का संबंध किससे है? तो महिला रेसलर हैं ये और विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इस पदक तालिका में भारत का स्थान 16वें स्थान पर रहा और भारत ने कुल 16 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है मलेशिया, जापान, थाईलैंड और साउथ कोरिया। दोस्तों थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में निलंबित कर दिया गया। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस संस्थान पर होमी जहांगीर भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और मोहाली। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंजाब के मोहाली में होमी जहांगीर भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। टाटा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा 660 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया और यह स्थित है दोस्तों मोहाली पंजाब में। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, CM है श्री भगवंत मान। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में चंडीगढ़ में ली कॉर्बूसियर के स्थापत्य को शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विक्रम दोराई स्वामी को
किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अमेरिका। विक्रम दोराई स्वामी को इंग्लैंड में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में मनप्रीत बोहरा कार्य कर रहे हैं उच्चायुक्त के रूप में। बांग्लादेश में श्री प्रणय वर्मा, अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं दोस्तों, इंग्लैंड की तो राजधानी है लंदन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने किस संगठन की सहायता से VL वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका फुल फॉर्म जान लें दोस्तों, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑप्शन दिए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इसरो और BARC। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा के चंदीपुर तट पर और DRDO की मदद से किया गया है। DRDO के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई वर्ष 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है और समीर वी कामत इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? श्री राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हॉल क्या है दोस्तों? डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, स्थापना हुई थी वर्ष 1940 में, श्री आर माधवन इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापित हुई, श्री एस सोमनाथ इसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। BARC भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है बॉम्बे महाराष्ट्र, 1954 में स्थापित हुआ, श्री अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में BARC के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेवी की बात करते हैं दोस्तों। नेवी जो प्रमुख होते हैं एडमिरल आर हरि कुमार वर्तमान में नेवी प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और इंदौर। दोस्तों इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का आयोजन हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और यह चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, फोर्थ एडिशन। आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस के द्वारा किया गया है। इस समिट में जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसे भीषण मुद्दे पर चर्चा की गई। वर्ष 2022 के लिए थीम रखी गई थी द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति सुधार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक। दोस्तों भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में जल आपूर्ति सुधार के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1966 में स्थापित हुआ, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, एम आसाकावा वर्तमान में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन हैं, कुल मेंबर हैं 68। IMF की बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापित हुआ वर्ष 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वर्तमान में IMF की प्रेसिडेंट हैं, कुल मेंबर हैं 190। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह ब्रिक्स देशों का बैंक है, टोटल मेंबर हैं 5, स्थापित हुआ वर्ष 2014 में, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना, मार्कोस ट्राइजो वर्तमान में NDP के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना 1945, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, कुल मेंबर 189। डेविड मालपास वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, CM है श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजेंद्र आर्लेकर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फहमीदा अजीम को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर सम्मान के लिए चुना गया है, वह किस देश की हैं? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत।
फहमीदा अजीम को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए चुना गया है। वह अमेरिकी पत्रिका इनसाइडर की पत्रकार हैं। उन्होंने चाइना में अल्पसंख्यक उइघुर पर किए जा रहे अत्याचारों और उत्पीड़न पर रिपोर्टिंग की थी। इसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पुलित्जर अवार्ड की बात करें, वर्ष 1917 में स्थापित किया गया था। जोसेफ पुलित्जर जी के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है पुलित्जर। और फहमीदा अजीम है बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में SCO संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सबसे पहले जानते हैं SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई वर्ष 2001 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। वर्तमान में मेंबर हैं टोटल आठ मेंबर हैं। ईरान प्रस्तावित है, मतलब ईरान अगर शामिल हो जाता तो कुल मेंबर हो जाएंगे 9। यह यूरेशिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। टोटल आठ मेंबर कौन कौन से दोस्तों? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रसिया। ईरान नौवां देश है जो शामिल होने जा रहा है इसमें। और रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, तजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देवाशीष मोहंती को किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, CSIR, ICMR। दोस्तों, हाल ही में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक देवाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। 1981 में स्थापित हुआ था यह संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यह स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। CSIR के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों, 1942 में स्थापित होने वाला संस्थान है। और हाल ही में पहली महिला निदेशक चुनी गई हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन है वर्तमान में CSIR की निदेशक। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च की सर्वोच्च संस्था है ICMR। 1911 में स्थापित की गई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री बलराम भार्गव। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी और ICMR, ये सभी संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जबकि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस पायदान पर रहा है? ऑप्शन हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOAA का 15th एडिशन 15वें संस्करण का आयोजन जॉर्जिया के कुटेसी में किया गया जिसमें भारत की ओर से 3 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर मेडल जीते गए और भारत को ओवरऑल मेडल टैली में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों ईरान को। दोस्तों, यह प्रतियोगिता वर्ष 2007 से प्रारंभ हुई, पहली बार 2007 में आयोजन हुआ था थाईलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस उत्सव को यूनेस्को की सूची के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कालबेलिया, दुर्गा पूजा, गरबा और बिहू। तो दोस्तों, हाल ही में गरबा डांस कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? यह किया जाता है गुजरात में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। दुर्गा पूजा मनाया जाता है दोस्तों वेस्ट बंगाल में, कालबेलिया मनाया जाता है राजस्थान में, जबकि बिहू असम का क्लासिकल डांस है, बिहू पर्व मनाया जाता है असम में।
यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, टोटल मेंबर हैं 193। आद्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों, श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करी है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम द्वारा संबोधित किया गया है सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को, और यह आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, राजधानी है अमरावती, सीएम है श्री जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है बी हरिचंदन गवर्नर है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर तथा पापीकोंडा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। दोस्तों, भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्री ने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रहलाद पटेल, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और अमित शाह। तो दोस्तों, हाल ही में देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा यूथ अफेयर्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला लॉन्च की गई है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन से मिनिस्टर हैं दोस्तों? अनुराग ठाकुर हैं भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री। प्रहलाद पटेल कल्चर मिनिस्टर हैं, संस्कृति मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, अमित शाह भारत के सहकारिता एवं गृह मंत्री। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कुसियारा नदी के जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों, कुसियारा नदी भारत तथा बांग्लादेश की सीमा बनाती हुई नदी है, इंडिया तथा बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। मेनली ये नदी भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बहती है, असम, मणिपुर इन राज्यों में बहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक नॉर्थ ईस्ट में प्रसिद्ध रिवर है बराक, बराक से ओरिजिनेट होती है और बराक की दो स्ट्रीम आगे जाकर डिवाइड होती है, एक से बनती है सूरमा और दूसरे से बनती है कुसियारा। इस नदी के जल बंटवारे पर हाल ही में भारत और बांग्लादेश सरकार ने समझौता ज्ञापन किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, श्रीमती शेख हसीना तस्वीर पर दिख रही हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स जारी की गई, जिसमें भारत के गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तथा भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है एलन मस्क, टेस्ला कंपनी संचालित करते हैं। इनकी जो वर्थ बताई गई है 251 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि सेकेंड नंबर पे हैं श्री जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक हैं, गौतम अदानी समूह के चेयरमैन हैं और इन्हें दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, दुनिया के 500 लोगों की संपत्ति के आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और मुकेश अंबानी रिलायंस समूह के मालिक हैं और इन्हें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। गौतम अदानी की संपत्ति 137.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। अजीम प्रेम जी ये विप्रो के मालिक हैं और इन्हें इस सूची में 47वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एन नारायण मूर्ति सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आदिल सुमरीवाला, श्री नरेंद्र बत्रा, सौरभ गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आदिल सुमरीवाला। इन्होंने स्थान ले लिया है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिससे आदिल सुमरीवाला
नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय कप्तान हैं और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। बीसीसीआई क्या है दोस्तों? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना है 1894 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। थॉमस बाक वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, कब? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस दिवस उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है श्री गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी, राजा जी, जिम कॉर्बेट जैसे, गंगोत्री जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 फाइनल में सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं विक्टर एक्सेलसेन, अकाने यामागुची, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने, डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और विमेंस में जीता है अकाने यामागुची, ये डेनमार्क के हैं, ये जापान की हैं। इन दोनों ने मेंस और विमेंस का जीता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तथा बी दोनों। दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया और इस आयोजन में भारत के दो बैडमिंटन प्लेयर्स चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इतिहास रचते हुए मेंस डबल में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों यह आयोजन किया जाता है BWF के द्वारा, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। यह बैडमिंटन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नियामक संस्था है BWF। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1934 में। हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस ऑप्शन दिए गए हैं 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इस दिन हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती मनाई जाती है और 2012 से यह दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद इस दिन भारत के राष्ट्रपति खेलों से संबंधित पुरस्कार की घोषणा करते हैं, जिनमें खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, नाम था अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई वर्ष 1992 में। 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड शुरुआत हुई 1961 में, राशि 15 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985, राशि 15 लाख रुपये। आइए जानते हैं कुछ मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। इनका जन्म 29 अगस्त वर्ष 1905 को वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने बहुत ही शानदार इनका करियर रहा ओलंपिक में ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 लॉस एंजलिस तथा 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उस टीम का प्रतिनिधित्व किया था मेजर ध्यानचंद जी ने। तो इन्हीं के की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है भारत में 29 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। इस पहल में कुछ चुनिंदा स्कूलों में
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी ने हिस्सा लिया तथा उन्होंने खेल से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई और इस पहल का नाम प्राप्त दिया गया था मीट द चैम्पियन। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह पहल लॉन्च की गई थी और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर। कृषि मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वच्छ सागर वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? स्वच्छ सागर वेबसाइट का अनावरण डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड स्वच्छ सागर वेबसाइट लॉन्च की है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला भारत के मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीता है। यह मीट कहाँ आयोजित की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। नीरज चोपड़ा के बारे में भी जानेंगे हम। तो प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट आयोजित की जाती है दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है वर्ल्ड एथलेटिक्स। 1912 में स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, जिसका पुराना नाम था दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स का IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में 89.08 मीटर के थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट का खिताब जीता है और यह आयोजित की गई थी लुसाने डायमंड लीग मीट में। उन्होंने यह खिताब जीता और पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा जी के बारे में बताते हैं दोस्तों, इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। हाल ही में वर्ष 2021 में टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया और व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को गोल्ड दिलाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। पहले खिलाड़ी दोस्तों अभिनव बिंद्रा, उन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता था। दूसरे खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक फैक्ट और है। वर्ष 2021 में ही भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है नीरज चोपड़ा को। राशि दी जाती है 25 लाख की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार किस राज्य में संपन्न हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई, जिसका नाम है वज्र प्रहार और यह 13वां संस्करण था, 13th एडिशन था, जिसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोह रीजन में आयोजन किया गया। दोस्तों प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। 12वां एडिशन जो था 2021 में वह आयोजित किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, और अगला जो होगा 14वां एडिशन वह भी अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है शिमला, सीएम है श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजेंद्र आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, इंदर किला, सिम्बालबारा, खिर गंगा तथा पिन वैली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत के एम्बेसडर राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं विक्रम दोराई स्वामी, प्रणय वर्मा, नागेश सिंह या सुचित्रा दुरई। तो दोस्तों हाल ही में थाईलैंड में भारत के एम्बेसडर राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है श्री नागेश सिंह को। नागेश सिंह ने स्थान ले लिया है सुचित्रा दुरई को। हमने हाल ही में पढ़ा था दोस्तों विक्रम दोराई को यूके का हाई कमिश्नर बनाया गया है, जबकि प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है।
नागेश सिंह बनाए गए हैं थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और हमने हाल ही में पढ़ा था कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रच्युत चान ओ चा को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है संगीत, साहित्य, अर्थशास्त्र और सिनेमा। तो दोस्तों, भारत के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया है। अभिजीत सेन वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक योजना आयोग, भारत में प्लानिंग कमीशन के सदस्य के रूप में कार्य किया। पीडीएस सिस्टम जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे श्री अभिजीत सेन। दोस्तों, प्लानिंग कमीशन के बारे में जानते हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 में स्थापित हुआ था भारत में। अब जो संस्था है नीति आयोग, नीति आयोग के पहले भारत में कार्य करता था प्लानिंग कमीशन। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी वो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के माध्यम से ही चलाई जाती थी। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। अभी भी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, अभिजीत सेन को वर्ष 2010 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। दुनिया के सबसे बड़े और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जा रहा है गुजरात के हजीरा में। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, गुजरात के हजीरा में स्थापित किया जाएगा। और यह स्थापित किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। रिलायंस समूह के प्रमुख हैं श्री मुकेश अंबानी। कार्बन फाइबर को स्टील के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसकी कैपेसिटी होगी इस प्लांट की 20,000 मिलियन मैट्रिक टन। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है श्री भूपेंद्र सिंह पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में रानी की बाव, चांपानेर, पावागढ़, अहमदाबाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर धौलावीरा, हड़प्पन नगर, हड़प्पन संस्कृति का प्रसिद्ध नगर था धौलावीरा, इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुजरात में गिर, ब्लैकबक, वंशदा, रन ऑफ कच्छ जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन हैं जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। तो दोस्तों, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ की गई, संचालित की गई है जर्मनी में। और जर्मनी दुनिया का पहला देश, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनें होंगी ये, इन्हें बनाया गया है एलस्टम कंपनी के द्वारा। पॉल्यूशन फ्री ट्रेनें होंगी ये, स्थापित की गई जर्मनी में। जर्मनी की बात करते हैं तो राजधानी है बर्लिन। और ओलाफ सोल्स वर्तमान में जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्य कर रहे हैं, ओलाफ सोल्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? बेल्जियम फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं मैक्स वर्स्टापन, सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेज या सेबेस्टियन बेटल। तो दोस्तों, रेडबुल के खिलाड़ी मैक्स वर्स्टापन ने यह बेल्जियम फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। दूसरे स्थान पर रहे रेडबुल के खिलाड़ी सर्जियो पेरेज, फेरारी के खिलाड़ी कार्लोस सेज थर्ड प्लेस पर रहे। दोस्तों, हमने पढ़ा था हाल ही में सेबेस्टियन बेटल 4 बार के विश्व चैंपियन रहे, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। मैक्स वर्स्टापन जो फाइनल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 2021 की, उसके चैंपियन रहे थे मैक्स वर्स्टापन। अभी 2022 की कुल 14 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, जिनमें से 9 जीतकर पहले स्थान पर है मैक्स वर्स्टापन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी जम्मू कश्मीर की स्कूलों में। और ये सभी अटल इनोवेशन मिशन के तहत 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में यह सेटअप हुआ था। अटल
इनोवेशन मिशन का उद्देश्य पूरे देश में इनोवेशन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नीति आयोग के द्वारा यह कार्य किया जाता है। नीति आयोग क्या दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन कुमार बेरी, जबकि CEO हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी 2016 में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को किस भारतीय संस्थान में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं SEBI, RBI, SBI या LIC। तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को SEBI में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले 3 पूर्णकालिक सदस्य थे, SK मोहंती, अनंत बरुआ, अश्विनी भाटिया, और चौथे पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। SEBI की बात करते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड स्थापित हुई वर्ष 1988 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। यह भारत में सभी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज की नियामक संस्था है। इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं माधवी पुरी बुच, और पहली महिला हैं SEBI की चेयरपर्सन बनने वाली। इसके बाद बात करते हैं RBI के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 जून 1955 को। दिनेश खारा वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। LIC की बात करते हैं दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में गवर्नमेंट क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है तथा भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है। LIC स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। श्री एम आर कुमार वर्तमान में LIC के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ये सभी भारत के महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान हैं और इन सभी के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोस्तों जैव विविधता संरक्षण पर भारत सरकार ने MOU ज्ञापन किया है नेपाल के साथ। इस MOU के तहत भारत और नेपाल के बीच वनों, वन्य जीव, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। और किसके साथ किया दोस्तों? नेपाल के साथ। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। श्री शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबाएं। थैंक यू।